हेलो चिल्ड्रन, आज हम बात करेंगे चैप्टर 7 फर्स्ट फ्लाइट बुक से पार्ट 2 की, जिसका नाम है कुर्ग और इसके राइटर हैं लोकेश अब्रोल। लोकेश अब्रोल एक कंसल्टेंट है इंटरनल मेडिसिन में और सोशल एंटरप्रेन्योर भी रह चुके हैं, और 1991 में इन्होंने गुड़गांव में सबसे पहले मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को बनाया था, और ये अरविंदम फाउंडेशन के फाउंडर डायरेक्टर भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं समरी। कुर्ग कर्नाटका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जो मैसूर और मैंगलोर के बीच में पड़ता है, और ये जगह बहुत ही सुंदर है। लोग कहते हैं कि इसे शायद भगवान ने ही बनाया होगा, क्योंकि इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। और ये जगह इसलिए भी फेमस है कि यहाँ बहुत ग्रीनरी है, काफ़ी जो जंगल है एकदम डार्क ग्रीन पेड़ों से भरे हुए हैं। यहाँ के मसाले बहुत फेमस हैं, यहाँ की कॉफ़ी प्लांटेशन बहुत फेमस है, और बताया जाता है कि इसको घूमने के लिए जो समय है वो सबसे अच्छा है सितंबर और मार्च के बीच में, और इस समय यहाँ मौसम काफ़ी अच्छा रहता है और आपको हमेशा एक कॉफ़ी की स्मेल आती है हवा में। कुर्ग की ओरिजिन की बात करें तो बताते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो बिलोंग करते हैं ग्रीक और अरेबिक डिसेंट को। वो बताते हैं इसके पीछे एक स्टोरी है। स्टोरी में बताते हैं कि जब अलेक्जेंडर अपनी आर्मी के साथ यहाँ पे आए थे तो वो यहाँ से वापस ही नहीं जा पाए, और फिर उनके साथ आए लोगों ने यहाँ के लोकल्स जो लोग थे उनके साथ शादी की और यहीं पर बस गए। और इन लोगों के कल्चर के बारे में हमें पता चलता है इनके रीति रिवाजों से, इनके यहाँ मैरिजेस जो होती हैं या जो भी रिलीजियस प्रोग्राम्स होते हैं उससे यहाँ के कल्चर के बारे में हमें पता चलता है। और जहाँ तक अरब ओरिजिन की बात है तो बताते हैं कि जो कोडोवा के लोग हैं जो एक लंबा काला कोट पहनते हैं उसे कूपिया कहते हैं, और ये काफ़ी सिमिलर होती है कूफिया से जो अरब्स और कुर्द के लोग पहनते हैं। बताते हैं कुर्ग के जो लोग हैं वो बहुत फेमस हैं अपने ट्रेडिशंस के लिए, अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए, मतलब यदि उनके यहाँ कोई मेहमान आए तो मेहमान नवाजी के लिए वो जाने जाते हैं, और बहुत सारी ब्रेवरी की स्टोरीज हैं इन लोगों के बारे में। बताते हैं भारतीय सेना में कुर्ग रेजिमेंट सबसे अधिक सम्मानित है, रिस्पेक्टेड है, और जो सबसे पहले आर्मी चीफ जनरल करियप्पा थे वो एक कुर्ग ही थे। और जैसा कि आपको पता है कि यदि इंडिया में यदि किसी के पास कोई भी एक वेपन है या हथियार है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है, सरकार आपको एक लाइसेंस देती है। लेकिन आज भी भारत में कोडवा ही ऐसे अकेले लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने की परमिशन है। कुर्ग के जंगलों और पहाड़ियों से कावेरी नदी अपना पानी लेती है, और इसी पानी में, ताज़े पानी में पाए जाने वाली सबसे बड़ी मछली महासीर भी पाई जाती है। बहुत सी गिलहरियाँ और लंगूर इस पानी के आसपास पाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स हैं, बहुत सारी हनी बीज हैं, बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलती हैं, और यहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट्स हैं जो इस पानी में आकर के नहाते हैं, और यहाँ पे कुछ लोग माउंट क्लाइंबिंग के लिए भी आते हैं जो कि ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों पर चढ़ते हैं। और बताते हैं कि ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों पर चढ़ के कुर्ग पूरी तरीके से देखा जा सकता है, और ये एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही सीनिक व्यू होता है यदि आप इसे ब्रह्मागिरी हिल्स से देखें। यहाँ पे जो रोप ब्रिज है वो आपको लेके जाता है निसर्गधाम आइलैंड पे, और बायलाकू पे एक जगह है जहाँ पे आपको तिब्बती मॉन्क्स देखने को मिलते हैं जो अपने येलो और रेड कलर के रोब्स को पहन के वहाँ पे अक्सर घूमा करते हैं। ये कहानी थी कुर्ग से। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और अब जब आप इसके क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होंगे उन सभी प्रश्नों के जवाबों को देना।